कर्नाटकनी महिलानी रिक्षामां भूलाई गई अगत्यना दस्तावेजो भरेली बेग गणतरीना कलाकोमां वराछा पोलीसे शोधी काढी हती। वराछा पोलीस मथकमां कर्नाटकना मैसूर खाते रहती वैशालीबेन दत्तावाड़े पहोंची हती। એણે જણાવ્યું હતું કે સુરત રેલવે સ્ટેશન ખાતેથી રિક્ષામાં બેસી પસાર થયા હતા। તે સમયે રિક્ષામાં ભૂલાઈ ગયેલી તેઓની અગત્યના દસ્તાવેજવાળી બેગ ગુમ થઈ ગઈ હતી, જે માહિતીના આધારે તાત્કાલિક વરાછા પોલીસે તપાસ હાથ ધરી હતી અને કર્ણાટકની મહિલાની ગુમ બેગ વરાછા પોલીસે શોધી કાઢી મહિલાને પરત કરતા મહિલાએ પોલીસનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો। नमस्ते, मेरा नाम वैशाली है और मैं कर्नाटक से हूँ। मैं भारतीय खाद्य निगम मंडल कार्यालय मैसूर से हूँ, जहाँ पे मैं सहायक श्रेणी दो राजभाषा पद पे तैनात हूँ। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में भाग लेने के लिए मैं कर्नाटक से सूरत आई हूँ। जैसे ही मैं सूरत रेलवे स्टेशन पे पहुंची, मैंने एक नॉर्मल सा ऑटो लिया, क्योंकि जैसे कि मुझे होटल हॉस्पाइस पहुंचना था जो कि सिर्फ 300 मीटर के अंतर पे था, तो मुझे लगा कि ओला बुक करने से अच्छा है कि हम एक नॉर्मल सा ऑटो ले लेते हैं। और मैंने मेरे साथ मेरे मैनेजर थे, तो हम दोनों ने एक नॉर्मल सा ऑटो लिया। हम ऑटो में बैठे और हम होटल हॉस्पाइस पहुंच गए। जैसे ही हम होटल हॉस्पाइस पहुंचे, तो हमने क्या किया, जल्दबाजी में जब हम उतर रहे थे तो हमने सिर्फ हमारे दो ट्रॉलीज उतार लिए और जो हमारे छोटे बैग थे, वैनिटी बैग्स, हमने उसको पीछे रखा था ऑटो में। और जब हम उतरते टाइम पे हम उसे ऑटो से लेने मतलब लेना भूल गए। जैसे ही हम होटल में चेक इन किए, हम रूम में गए, तभी हमें ध्यान में आया कि हमने वो दो बैग जो थे जिसमें हमारे सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, जैसे कि ऑफिशियल ऑर्डर्स हो सकते हैं या फिर मेरा आईडी कार्ड हो, मेरा छोटा पर्स, और सब कुछ उसी बैग में था। तो फिर मुझे बहुत टेंशन हो गया। हमने होटल से पूछा कि हम कहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हैं या फिर हम कैसे पा सकते हैं, ऑनलाइन हम रजिस्ट्रेशन करें FIR या कि हम डायरेक्टली जाके उनसे पूछें। तो हमने सोचा कि हम डायरेक्ट आ जाते हैं, तो हम वराछा पुलिस स्टेशन में आए। हम पहले यहाँ पे जब आए तो अब हमने उनको अपने तकलीफ के बारे में बताया कि प्रॉब्लम बताई कि हमारा बैग छूट गया। तो फिर वहाँ पे जो इंस्पेक्टर सर थे, उन्होंने इमीडिएटली हमें एक ऑफिसर से मिलवाया और उन्होंने, जैसे ही उनको पता चला कि हमारा बैग खो गया है और उसमें ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, तो फिर उन्होंने इमीडिएटली हमसे हमारे होटल का एड्रेस पूछा और वहाँ पे जाने के बाद CCTV फोटोज लिए। तो उससे उनको ऑटो के बारे में तो पता चल गया, लेकिन उसमें ऑटो का नंबर क्लियर नहीं लिखा था। लेकिन जब हमने ऑटो वाले को पेमेंट किया था तो वो फोन पे नंबर था, तो हमने उसको कैश पेमेंट नहीं किया था। तो उस फोन पे के नंबर के हेल्प से हमारे ऑफिसर्स ने, मतलब सूरत के जो पुलिस स्टेशन है, वराछा पुलिस स्टेशन के जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने उस ऑटो ड्राइवर से कॉन्टेक्ट किया और हमें हमारा बैग वापस दिलाया। तो हम उनको चाहे दिल से शुक्रिया कहना चाहते हैं, क्योंकि हम ऑफिशियल काम से आए थे और हमारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स गुम हो गए थे जो कि हमें इमीडिएटली मिल गए। सो आई एम थैंकिंग यू, थैंक यू, थैंक्स फॉर द कॉपरेशन। सुनील पाटिल साथ, हितेश प्रजापति, समय मीडिया न्यूज, सूरत।